First of all, I'm so humbled that Mr. Sahil sir and the Sigma Institute has called us here. And the another thing that makes it special is that I'm seeing performances with them. So I'm very humbled and thankful for the Institute of Excellence. I'm totally surprised by the talent that was here. I mean, I was taken aback by the way students speak and the way they deliver and the ounce of confidence that they have in them. Silence, please. I congratulate every student and candidate who has been the part of Sigma. You have completely nailed it in every performance. I congratulate all of you. मैं भी सिर्फ नीट के लिए पढ़ रही थी बट ड्यू टू सम रीजंस मे बी आई हैड वर्क्ड अ लिटिल बिट लेस बट आई न्यू आई डिड वर्क हार्ड पर हुआ ये कि कुछ पॉइंट्स की वजह से मैं रह गई नीट में बट व्हाट आई डिड देन वाज कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अलाउड टू मेक 20 क्वेश्चंस इन टोटल राइट 10 विल बी आंसर्ड बाय मिस आदिल सिंह ओन एंड 10 विल बी आंसर्ड बाय मिस माधिया शमीम साहिल सर ने भी एक शेर आपके सामने बोला था उकाबे रुख जब बेदार होती है नौजवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में तो ये पैशन लेके आपको चलना है सभी को तो आई माई सेल्फ वाज सरप्राइज्ड यहाँ का टैलेंट देखे हंदवाड़ा के बच्चों में जो सिग्मा ने इनके साथ जो पॉलिश किया हुआ है तो वेरी थैंकफुल टू सिग्मा एंड एवरीवन हियर जो यहाँ पे आए और बच्चों में जो टैलेंट है इसको पॉलिश करने की जरूरत है मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ अगर यहाँ पे पेरेंट्स है कि वो अपने बच्चों को हौसला अफजाई करे और ऐसे मौकों पे उनको पार्टिसिपेट करने का ट्रेनिंग इन द एंटायर वैली एंड वी वांट टू बी द पायनियर्स इन माय पहले 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था एक मिशन हमने अपने पास बनाया था कि कश्मीर में जिस तरह से एजुकेशन दी जा रही है उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए जैसे वॉइस एंड एक्सेंट हमने स्टार्ट करा था कश्मीर में जो हमारा एक्सेंट होता है थोड़ा कश्मीरियों का डिफरेंट निकलता है तो बच्चों को बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है या इंटरनेशनल करियर्स होते हैं ऑनलाइन करियर्स होते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इस बार हमने ये स्टार्ट करा था तो इसका नतीजा ये है कि हमारे जो हंदवाड़ा में ये एक ज़रखेज़ ज़मीन है और टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर तो उनको बस थोड़ा सा पुश करना पड़ा एंड वो अच्छे से अभी एक सुधार उनमें आया है कि किसी भी वर्ल्ड के स्टेज पे बोल सकते हैं वो भी हम अपने लिए मैं हम्बल फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारे पास टैलेंटेड बच्चे हैं जो सीखते हैं जिनको हमें बहुत कम मेहनत लगती है सिखाने में ऐसे हमारे लोग हैं यहाँ पे हंदवाड़ा में जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है इस चीज़ में और हमारे जैसे सुलेमान सर हो गए जैसे जहूर साहब हो गए जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जो एजुकेशन में हस्तियाँ हैं और जो हमारे मीडिया फेटर्निटी है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट करा और इंशाल्लाह सिग्मा आगे बहुत सारे कोर्सेज ला रहा है यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग ला रहा है जैसे कोडिंग ला रहा है तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टेज पे जाएंगे बच्चों और पेरेंट से मुझे यही उम्मीद रहेगी कि वो अपने बच्चों को रोके ना अपने टैलेंट से उनको बढ़ावा दे उनको आगे बढ़ाएँ और स्टूडेंट से यही रहेगी कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें यहाँ पर एक नया ये प्रोग्राम लेकर आया है दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर हमारी इस हंदवाड़ा में इस एरिया में इसकी बहुत अहमियत भी है और बहुत ज़रूरत भी है कि हमारे बच्चे यहाँ पर इनका जो डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है इंग्लिश कोर्सेज का प्रोग्राम है और बाकी कोर्सेज जो यहाँ इन्होंने चलाने हैं जो यहाँ पर ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बच्चे की हो रही है और जो इस वक्त समाज में हमारे इस दौर में बहुत अहमियत रखता है और बहुत ज़रूरी है आई एम ग्लैड टू नो दिस कि दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग हेल्ड हियर इन हंदवाड़ा और इससे ये हमारे इलाके के हमारे बच्चे मुस्तफीद हो जाएं और ये हमें बहुत यहाँ पर फ्रूटफुल रहेगा ताकि हमारे बच्चे जब बाहर कंपटीशन में जाएंगे तो ये वहाँ पर अपना मुकाम हासिल करेंगे हिडन प्रोग्राम की दिस वाज एन अमेजिंग प्रोग्राम ये दिल खुश हो रहा है यहाँ पर जिस तरह ये बच्चों को इस यहाँ पर तैयार कर रहे हैं
और ये यहाँ पर जो जो खासकर जो ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो ये कोर्सेज यहाँ करा रहे हैं, दिस वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हियर, दे आर दिस इम्प्लांटिंग द वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हियर इन सिग्मा एंड इट विल कम वेरी वेल इन दिस एरिया एज द नीड ऑफ द आवर। सिग्मा इंस्टीट्यूट है हंदवारा में, मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये जो इस्टेब्लिश हुआ है, बड़ा ही काबिल बंदा जिसकी एक काबिल टीम है जो हमारे बच्चों को बेसिकली, जब हम इस खित्ते की बात करते हैं जो बज़ाहिर आप ये कहेंगे कंपैरेटिवली एक रिमोट एरिया है, जहाँ पे जब हमारे बच्चे ज़बान सीखते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखते हैं, मगर आप इस चीज़ से कतन इनकार नहीं कर सकते कि अंग्रेज़ी जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और होना भी चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई ज़ुबान बोलते हो, उस ज़ुबान का जो जो आपका गुफ्तार होना चाहिए, वो तलफ़ुज़ जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। तो सिग्मा ने एक तो इनका ये पार्ट रहा कि बच्चों का जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है या जो इनका एक्सेंट जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने ठीक करवाया। न सिर्फ वो, इसके साथ एक ये एक मल्टी बेनिफिशियल एक्सरसाइज रही, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे खुल के सामने आए। मैंने देखा कि बेशतर बच्चे जो तकरीबन मेरे ख्याल से सैकड़ों में इसने बच्चों को तैयार किया यहाँ पे, जो मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेरे तालीम है, लेकिन इसने एक नई डायरेक्शन दी है यहाँ पे हंदवाड़ा में। तो बहुत खुश हैं हम इस हवाले से, न कि हमारे यहाँ हंदवाड़ा में छोटे से कस्बे में हमारा जो ये जो फिरदौस आमच है, जो साहिल शाह के नाम से मशहूर है, जब उन्होंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, तो पहले ये नहीं लग रहा था कि इतनी सारी कामयाबी उनको मिलेगी। बहुत खुश हैं हम, और हमारी तरफ से इनको मुबारकबाद। और जितने भी लोग चाहते हैं कि ये मैं, इट्स एन ओपन इनविटेशन फॉर एवरीवन टू कम एंड सी द डिफरेंस हेयर। यू नॉट नीड टू सेंड योर अवार्ड्स, आपको अब श्रीनगर या किसी और इंस्टीट्यूट में भेजने की जरूरत नहीं, इट्स सॉर्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, बट दैट्स अ रियलिटी। ख्याल से उन्होंने शोकेस किया अपने टैलेंट को यहाँ पे अंदर, जो उन्होंने काम किया उसने दिखाया कि मैंने क्या किया, एक कम मुद्दत में इतनी शोहरत इख्तियार करना, ये मेरे ख्याल से इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज टैलेंट। आप देखिए, सुबह से हम बैठे 11 बजे से अभी तक, प्रोग्राम इतने दिलचस्प प्रोग्राम थे, कोई अपनी कुर्सी से हटा भी नहीं, जितने भी पेरेंट्स थे जिनके बच्चे परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे, या जो उन्होंने सीखा, जो जिन्होंने डिस्प्ले किया, तो इसका ये मतलब है कि दिलचस्पी बहुत ज़्यादा इसमें।